सीता हरण। लक्ष्मण के जाने के पश्चात रावण को अवसर मिल गया। वो ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण कर रावण सीता के पास आया और बोला, हे सुंदरी, तुम कोई वन देवी हो या लक्ष्मी अथवा कामदेव की प्रिया स्वयं रति हो? इस पृथ्वी पर तो मैंने तुम्हारे जैसी रूपवती लावण्यमय युवती मैंने आज तक इस संसार में नहीं देखा है। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस वन में किस लिए निवास कर रही हो? कहाँ ये तुम्हारा तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, तुम्हारी सुकुमारता और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास? ये स्थान तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों का निवास स्थान है। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। सीता ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा नाम सीता है। मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री और अयोध्यापति दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र की पत्नी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे पति अपने भाई भरत को अयोध्या का राज्य देकर 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे हैं। उन पराक्रमी सत्यप्रायण वीर के साथ मेरे तेजस्वी देवर लक्ष्मण भी हैं। आप अतिथि हैं, अतः इस आसन पर बैठकर यह जल और फल ग्रहण कीजिए। मेरे पति अभी आते ही होंगे। अब आप बताइए महात्मन, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? सीता का प्रश्न सुनकर रावण गरज कर बोला, हे सीते, मैं तीनों लोकों 14 भुवनों का विजेता महाप्रतापी लंकापति रावण हूँ, जिसके नाम से देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मुनि सभी भयभीत रहते हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर जैसे देवता जिसकी सेवा करके अपने आप को धन्य समझते हैं। मैं तुम्हारे लावण्यमय सौंदर्य को देखकर अपनी सुंदर रानियों को भी भूल गया हूँ और मैं तुम्हें ले जाकर अपनी भार्या बनाना चाहता हूँ। हे मृगलोचने, तुम मेरे साथ चलकर नाना देशों से आई हुई मेरी अत्यंत सुंदर रानियों पर पटरानी बनकर शासन करो। मेरी नगरी लंका की सुंदरता को देखकर तुम इस वन के कष्टों को भूल जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। रावण का नीचतापूर्ण प्रस्ताव सुनकर सीता क्रुद्ध स्वर में बोली, हे अधम राक्षस, तुम परम तेजस्वी, अद्भुत पराक्रमी और महान योद्धा रामचंद्र के पराक्रम को नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे सम्मुख ये कुत्सित प्रस्ताव रखने का दुस्साहस कर रहे हो। अरे मूर्ख, क्या तू वनराज सिंह के मुख में से उसके दांत उखाड़ना चाहता है? तेरे सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए तू ये घृणित प्रस्ताव लेकर यहाँ आया है। तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ लेकर आई है। सीता के ये अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण के अत्यंत कुपति हो गया। आंखें लाल करते हुए उसने कहा, सीते, तू मेरे बल और प्रताप को नहीं जानती। मैं आकाश में खड़ा होकर पृथ्वी को गेंद की भांति उठा सकता हूँ, अथाह समुद्र को एक चुल्लू में भर कर पी सकता हूँ। मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ और लेकर ही जाऊँगा। ये कहकर रावण ने अपने ब्राह्मण वेश को त्याग कर विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों हाथों से सीता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा निकटवर्ती खड़े विमान पर जा सवार हुआ। इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से पकड़े जाने पर सीता ने हा राम कहते हुए स्वयं को रावण के हाथों से छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु बलवान रावण के सामने उनकी एक न चली। उसने उन्हें बांधकर विमान में एक ओर डाल दिया और तीव्र गति से लंका की ओर चल पड़ा। सीता निरंतर विलाप किए जा रही थी, हा राम, पापी रावण मुझे लिए जा रहा है। हे लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? तुम्हारी बलवान भुजाएं इस समय इस दुष्ट से मेरी रक्षा क्यों नहीं करती? हाय, आज कैकेयी की मनोकामना पूरी हुई। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता ने मार्ग में खड़े जटायु को देखा। जटायु को देखते ही सीता चिल्लाए, हे आर्य जटायु, देखो, लंका का ये दुष्ट राजा रावण मेरा अपहरण करके लिए जा रहा है। इस नराधम से आप मेरी रक्षा करने में आप असमर्थ हैं, क्योंकि यह बलवान है और अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। आप रावण द्वारा मेरे हर लिए जाने का ये वृतांत मेरे पति से तो अवश्य ही कह देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।